हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक पुराना सीटीईटी का पेपर जो पहले आ चुका है। इसमें से आज हम सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी वाला पोर्शन करेंगे और उसमें से भी सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही आज करेंगे। बाकी वाले क्वेश्चंस हम आने वाली वीडियोस में 10-10 क्वेश्चन करके करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डिवेलपमेंट इज स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस, इज ऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड। तो इस क्वेश्चन की ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से जो मोस्ट सुटेबल आंसर हमारा होगा वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा है। अगर हम हिंदी में बात करें तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास, पहली ऑप्शन है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, दूसरा है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, तीसरा है केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, और चौथा है अनियमित और असंबद्ध होता है। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आएगा कि चाइल्डहुड में जो डेवलपमेंट है वो कैसी होती है। चाइल्डहुड में स्लो नहीं होती, क्योंकि जो स्लो होती है वो होती है इन्फेंसी में, या इसके जो अर्लीस्ट स्टेजेस हैं उसमें थोड़ी सी स्लो होती है। इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस नहीं होते, क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं, और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो ऑर्डरली होती है, डिसऑर्डरली नहीं होती। इसलिए जो सही ऑप्शन इसका बनता है आंसर वो है सेकेंड, इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ एडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स, और दूसरी ऑप्शन है अ रेंज ऑफ टास्क दैट द चाइल्ड शुड बी एबल टू डू एज पर हर एज बट कैन नॉट, द प्रोसेस वेयर टू इंडिविजुअल्स हु बिगिन विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स अराइव एट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, एंड लास्ट ऑप्शन है द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन लर्न टू परफॉर्म टास्क एज सेट बाय द एल्डर मेंबर्स इन द सोसाइटी। तो इसमें हमें ये थ्योरी जिसने पढ़ी है इसका वही सही आंसर दे पाएगा, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है उसका जो सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन, द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ द एडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हम वही कहते हैं कि जो बच्चा किसी दूसरा जो मोर मेच्योर या स्किल्ड वन है उसकी सहायता से जो बच्चा जितना लर्न कर सकता है हम उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है, या स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है। अगेन, जिस बच्चे ने जीन पियाजे की थ्योरी करी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वही बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ये सारी थ्योरीज जो हैं लर्निंग की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इंटेलिजेंस की, पर्सनैलिटी की, ये सारी थ्योरीज को आप बड़ा डिटेल में पढ़ें। इन थ्योरीज को बड़ी बारीकी से और डिटेल में मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वो वीडियोस वहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी थ्योरीज को डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इस क्वेश्चन में जीन पियाजे के अकॉर्डिंगली जो बच्चा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कर सकता है, क्योंकि जो इससे पहले वाली स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर स्टेज है और दोनों स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस में बच्चा रीजनिंग या हाइपोथेटिकल रीजनिंग नहीं कर पाता। और जो बाकी वाले ऑप्शंस हैं वो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल रीजनिंग बच्चा इसमें कर सकता है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स बिलीव दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द करंट सोशल सिस्टम इंश्योर्स पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोसाइटल ऑर्डर। ये फिर एक थ्योरी में से क्वेश्चन आया है, इसलिए थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है लॉरेंस कोहलबर्ग की। तो बच्चा जो है उसमें सोशल सिस्टम का बच्चा कब सीख लेता है, तो इसमें सोशल सिस्टम आ रहा है तो वो
हम इसमें देखेंगे सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन है, जो सेकंड ऑप्शन है वो सोशल के साथ रिलेटेड है, इसलिए जो वाला ऑप्शन जो है वो इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटीज एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फिर से गार्डनर की थ्योरी आई है इंटेलिजेंस की, जिससे क्वेश्चन आया है। इसमें जो है हमने इसमें मैच करना है कि कौन सा इसमें जो सही है और कौन सा गलत है। इसमें जैसे स्पाटियल इंटेलिजेंस है वो थेरेपिस्ट में नहीं होती, इसलिए ये वाली ऑप्शन तो ठीक, ये वाला जो मैच है वो ठीक नहीं किया गया। दूसरा इंट्रापर्सनल है सेल्स पर्सन में, ये भी ठीक नहीं है। तीसरा लिंग्विस्टिक है स्कल्पचर्स में, लिंग्विस्टिक तो ऑथर्स पोएट्स उसमें आता है। और फोर्थ जो है वो बॉडीली किनेस्थेटिक है एथलीट्स में, ये ऑप्शन सही है क्योंकि एथलीट्स में बॉडीली किनेस्थेटिक जो एबिलिटी है, क्वालिटी है, स्किल है वो होती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, फिर से थ्योरी का क्वेश्चन आया है। लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस। एंड फोर्थ ऑप्शन है मैच्योरेशन ऑफ स्कीमास लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। इसमें से हम देखेंगे कि जो बेस्ट सुटेबल हमारा जो आंसर है वो सही होगा। लेव वाइगोत्स्की ने यही कहा था कि जो लैंग्वेज है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बच्चे की लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, इसलिए ये वाली ऑप्शन इसकी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग का जो असेसमेंट का जो तरीका है, प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग में, वो कैसा रहेगा। इसमें है इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन द चिल्ड्रन, नहीं ये गलत है क्योंकि टीचिंग लर्निंग में असेसमेंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रिएट्स अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस भी नहीं होती इससे। इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हाई एंड लो नॉन अचीवर्स फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स। हाँ ये ठीक है कि इससे हमें हाई और अचीवर्स का पता लगता है और हम फीडबैक भी पेरेंट्स को दे सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल आएगा वो है इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स इंसाइट इन टू द चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें असेसमेंट से हमें बच्चे की इंसाइट के बारे में पता लगता है कि बच्चे ने कितना सीखा हुआ है और उसको कितना आता है। तो ये ज़्यादा सुटेबल आंसर है थर्ड और फोर्थ में से, तो हमारा जो सही आंसर है वो फोर्थ आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड ब्रॉडनिंग डेवलपमेंटल पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल सेक्सेस इज। क्वेश्चन ये है कि कक्षा में सभी लिंगों के जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है, किससे हम इसको ठीक किया जा सकता है। तो इसमें है टू इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, हमें इग्नोर करने हैं। टू री इन्फोर्स जेंडर रोल्स एंड पोर्ट्रेट इन द सोसाइटी फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग। एंड फोर्थ है फॉर्मिंग मिक्स सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन। तो ये रूढ़िवादिता जो खत्म करने के लिए हमें इनके मिक्स्ड सेक्स के जो एक्टिविटी ग्रुप्स हैं वो बनाने चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स के, हम तभी जो ये स्टीरियोटाइपिंग है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कम हैं या उनके आपस में नहीं मिलाना उनको, ऐसा नहीं है, हमें उनके मिक्स जो हैं वो ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को ठीक करने के लिए या कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीलिंग्विज्म इज इन ए क्लासरूम लीड्स टू बी अंडरस्टूड एज डैश बाय द टीचर। टीचर जो है अध्यापक कक्षा में बहुभाषीयता को कैसे समझता है, कैसे समझना चाहिए, एक एसेट समझना चाहिए, हिंड्रेंस समझना चाहिए, प्रॉब्लम समझना चाहिए या सिस्टमेटिक इश्यू समझना चाहिए। ये सेकेंड जो हिंड्रेंस तो नहीं होता है मल्टीलिंग्विज्म, प्रॉब्लम भी नहीं होता है, सिस्टमेटिक इश्यू भी नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है एंड एसेट है मल्टीलिंग्विज्म, और एक रिसोर्स की तरह एक टीचर को इसको जो है वो यूज़ करना चाहिए। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन इन विच, एक बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें टीचर यूजेस द टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। तो ये तो ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है क्लासरूम में वो ओनली सोर्स नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसकी नहीं रहेगी। दूसरा है द टीचर सेग्रीगेट द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, हमें बच्चों को सेग्रीगेट भी नहीं करना है बच्चों को क्लासरूम में। थर्ड है द टीचर यूजेस रिवार्ड एंड पनिशमेंट टू ट्रैक चिल्ड्रंस बिहेवियर, ये ठीक लग रहा है क्योंकि
टीचर ने बच्चे के बिहेवियर को रिवार्ड और पनिशमेंट देना है, उसके अकॉर्डिंगली ही बिहेवियर जो है वो फॉर्म होता है। लेकिन एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम के लिए द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड कैटर टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल चिल्ड्रन। अगर हमें एक चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित एक कक्षा बनानी है तो हमें उसके लिए इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की नीड्स को हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये भी पता लग गया होगा कि कैसे हमें दिए हुए ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। कई बार हमें लगता है कि दो ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमने उन दोनों ऑप्शंस में से भी जो बेस्ट सुटेबल आंसर है हमें वो चूज करना है, तभी हमें उसका जो है वो राइट रिस्पॉन्स और सही नंबर हमें मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।